ये भर रही कुतरी सी का इधर सुख है कोई का खातू है तो हेलो गाइस बबू मल्ल जोहार गाइस हेलो गाइस जोहार गाइस तो बबू मल्ल राम राम दादी नी मिसी तो संगवारी मल्ल चाहे जोहार तो अब मैं आया हूँ खेत की ओर जो वहाँ पर खेत था ना पूरा सूखा सूखा हो गया है तो उसमें पानी डाल रहे थे पानी तो डल गया लेकिन जो सामने वाला खेत है नहीं बीच में वो ब्यासी कर रहा है ताकि क्योंकि उसके खेत में पानी है तो उस ब्यासी के लिए पाइप को हटाना पड़ेगा उसको मोड़ने के लिए जा रहा हूँ और बेंचोत पानी नहीं गिर रहा है किसी के खेत में ब्यास पानी है किसी के खेत में सूखा सूखा तो बहुत प्रॉब्लम है किसान को तो हम किसान का राय जानेंगे आज देखते हैं कोशिश करके उसके राय के बारे में कि बाकी किसान क्या सोचते हैं अपना भूपेश बघेल के बारे में क्या टिप्पणी देंगे तो बने रहें वीडियो पर ठीक है तो अभी पाइप से करते हैं तो ये गया है पाइप देख सकते हो ये हमारे खेत पर गया है और दूसरों के खेत पे जैसे बिछा के आए हैं ना उसको हम छक लेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे उसके बाद हो गया यही काम है आज का सवेरे चलो करते हैं ये है पाइप तो दूसरा का खेत है इसमें भी पानी है पता नहीं कहाँ से कल गिरा था ना पानी वही कल है बहुत भर गया लेकिन किसी किसी के खेत में जल्दी भर जाता है पानी किसी के खेत में सूखा सूखा हो जाता है तो हमको पाइप को सकलना है किस ओ लपेटा पाइप को मतलब ओ प्लास्टिक पाइप प्लास्टिक तो सभी है लेकिन वो दो टाइप के आते हैं पाइप वैसा टाइप को शकलना है छकलना है रे बाबू तो चलो यार खेलते हैं कौन सा वाला इसमें भी पानी है डबा डब लेकिन उसमें नहीं है मदर चूर क्या लगना अपने को ये वाला पाइप से करने का कि दूसरा का खेत है और इसमें पानी भी भरा है तो उसको ब्यासेंगे मतलब और डबल नंगर हल चलाएंगे ताकि धान का अंदर का जो है उसमें हवा लगे और धान ग्रोथ हो और इसमें नहीं है माता चोत जिसमें है इसमें नहीं है, है प्रॉब्लम क्या पता नहीं और सब जाता है धान और इसको हम सकलते हैं चलो यार इसको हम मोड़ते हैं बच्चों वहां से घर से लाना पड़ेगा तो हमें वहां आगे से चलना पड़ेगा इधर से नहीं पड़ेगा नहीं करेंगे इधर से करेंगे
ये पूरा है वो हार्ड पाइप है या नॉर्मल, यानी कि मुड़ जाता है, इसलिए इसको मोड़ेंगे और इसको अलग अलग निकाल के करना पड़ता है। चलो और ये देख देख आपको दिखा था, ये देखो इसमें है रोपा लगने वाला है, लेकिन पानी की वजह से नहीं लगा पा रहे हैं, पानी के ना होने के कारण रोपा नहीं लगा रहे हैं, बात तो यही है। तो किसान बहुत प्रॉब्लम समस्या में है, इसका समाधान करो। दूसरे का है तो दूसरे के पाइप को सिकलना तो यहाँ पे निकाला जाए, तो निकालते हैं और यहीं इधर ही से देख रहे हो बेंचू, परा रोपा लगाने के बावजूद भी यहाँ पे नासा निंदा बन वन सब है, देख सकते हो जो जो जितना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना वो सब दूसरे फसल है, दूसरे पौधा है, तो ये नुकसान रोपा लगाने के बावजूद भी। इधर भी देख सकते जितना बड़ा बड़ा दिख रहा है बड़े बड़े वो सब अलग ही पौधा है, तो नुकसान करता है ना। और अगर अभी नहीं निकला तो धान अच्छा से नहीं होगा और अगले साल भी और उपज जाएगा जो इसका फल है वो झड़ जाएगा, ये होता है नुकसान बेंचो। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इसके किसान को तकलीफ हो जाता है बेंचो। और इधर सभी में हैं ऐसी तो, और इधर तो ये छोटा है दूसरा क्या है, और बाकी इसको बनिहार लगाएंगे और निंदाएंगे, खेल ख़त्म। ये तो पाइप से मोड़ लिए, पाइप को ले जाना है झाला पर जो कि पुराना हवेली, वहाँ पर ले जाना है और सीधा निकलते हैं घर। हाँ देखो ये 200 फीट रहता है पाइप, ये भी 200 मतलब 400 फीट से करने में गांड फट गई, एक अकेला चकलते सकला तो फट गया, और छाती होता तो सुला आसान हो जाता, लेकिन फिर भी हो गया काम। अब इसमें थोड़ा कम है बंद और वो वाला में बहुत ज़्यादा है, मतलब तो क्या करिए, क्या किया होगा जो होगा सो होगा। मौसम देख सकते हो है बारिश का संभावना, लेकिन पूरे पानी तो उधर जा रहा है देख सकते हो, तो यहाँ का गंदा होगा। अब देखते हैं कीचड़ है इधर, बहुत कीचड़ है भाई, जो यहाँ देख सकते हो अगर वजन पकड़ के आओगे तो बढ़ बढ़ गिर जाओ। और देख सामने वाला ब्यास है, यानी कि जो फसल लगाए थे उसको और जोत रहे हैं ताकि अंदर का जो जमीन है वो उसमें पानी पड़े और धान उपज जाए, यानी पूरा यानी कि फसल में हवा पानी लगे, इसलिए से ब्यासते हैं। जो बड़ा बुआई करते हैं उसको ब्यासते हैं, यानी कि जोताई करते हैं गुआवत को, अभी पर रोपा वालों को नहीं ब्यासते।